लाइट ही नहीं लगी हुई यहाँ पे, पर कोई ना, आई आई टी बीकानेर। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो दोस्तों मैं देखो रात में भिरावल से तो बीकानेर आ गया, अभी बीकानेर पहुँचा सुबह 6 बजे के आसपास, और अभी मुझे पता चला कि बीकानेर जाने के लिए एक ट्रेन मिल चुकी है मुझे, तो मैं तो बीकानेर निकल रहा हूँ। और अगर ये ट्रेन ना होती ना तो मैं आज वो क्या कहते हैं साइंस सिटी विजिट करने वाला था, पर अभी ये ट्रेन मिल गई तो चलो अब घर पे ही चलते हैं साइंस सिटी। और कभी जब द्वारका घूमने आऊँगा ना तब साइंस सिटी देखूँगा। तो यार ये मतलब मैं कितना किस्मत वाला हूँ कि हाँ मुझे ट्रेन टाइम पे ही मिल गई, और मैं मतलब इस ट्रेन की हेल्प से रात में लगभग 9 बजे के आसपास बीकानेर पहुँच जाऊँगा। तो कल कॉलेज भी अटेंड कर लूँगा इसके साथ। कॉलेज में मुझे लगता है कि मेरी बहुत ज़्यादा परसेंट लगना स्टार्ट हो गई है, तो कल से वापस कॉलेज में भी परसेंट होना है। वैसे यार मज़ा बहुत किया यहाँ पे मैंने, पर एक ये इंजन की आवाज़ बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है इंजन की। तो मैं अब वापस ट्रेन स्टार्ट होगी ना तब आपसे मिलता हूँ, और मुझे आपको ना कुछ बताना है, मेरा यहाँ का कलेक्शन बताना है, यहाँ से मैंने क्या खरीदा वो बताना है, और उसके बाद छोटी बड़ी बातें भी बतानी है यहाँ वो क्या कहते हैं सोमनाथ के बारे में। लास्ट टाइम अहमदाबाद को देखने का जनवरी में, यार अब मैं वापस मेरी ट्रेन ने हॉर्न दे दिया, अब चलो अंदर चलते हैं। आप उधर बैठोगे क्या? ठीक है मैं इधर बैठ जाऊँ। ये मेरी सीट। अब मैं आज ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी है ही नहीं, मेरा फ़ोन पूरा का पूरा डिस्चार्ज है, और इसके अलावा इस डब्बे में ना वो चार्जिंग करने के लिए सॉकेट ही नहीं है। वैसे इस ट्रिप में मैं सबसे ज़्यादा थैंक यू हितोड भाई को करना चाहता हूँ। ये पता नहीं मेरे एक रैंडम सब्सक्राइबर था, पर इन्होंने मुझे बहुत सारे सजेशन दिए थे सोमनाथ के बारे में कि हाँ भाई वहाँ जाना है, वो करना है, वहाँ से खाना खाना है, वहाँ से अनहाइजेनिक फूड मिलता है तो वहाँ से खाना नहीं खाना है। तो इतना सब कुछ मुझे बताने के लिए थैंक यू हितोड भाई। One eternity later. फाइनली देखो IIT बीकानेर में मुझे वापस आना ही पड़ा। ये IIT बीकानेर का रात का नज़ारा, यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, पता नहीं ये कौन सी दुनिया में आ गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो वहाँ पे कुछ नहीं, जैकेट पहनने की भी ज़रूरत नहीं थी मुझे, और अब यहाँ पे मेरे हाथ कांप रहे हैं इसको रिकॉर्ड करते वक्त भी, बहुत ज़्यादा ठंड है। मेरी शक्ल तो अभी देखो बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही, क्लियर तो छोड़ दिख भी नहीं रही, लाइट ही नहीं लगी हुई यहाँ पे, पर कोई ना, IIT बीकानेर। अब इसकी तारीफ में और मैं क्या ही कह सकता हूँ। तो चलो अब पहले चल के देखते हैं कि हाँ मेरे रूममेट्स क्या कर रहे हैं, उनके लिए तो एकदम मतलब कि सरप्राइज़ होगा कि हाँ मैं तो जल्दी वापस आ गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने किसी को नहीं बताया कि अभी तक कि हाँ मैं वापस आ गया हूँ यहाँ पे, तो ये सबके लिए सरप्राइज ही है। चलो चलो जल्दी यार, मुझे अपना फ़ोन भी चार्ज करना है, बस 5% है इसकी बैटरी। जल्दी भागो, और अभी है ना मैं रूम में जाके सबसे पहले वो क्या कहते हैं हर्ष की हीटर से हाथ गर्म करूँगा। वेरी गुड, मेरे रूम में कोई नहीं है, ये देखो लगता सो गए थे। जल्दी हर्ष दरवाजा खोल। ओ गुड मॉर्निंग, हाँ हाँ लाइट तो ऑन करने दे। ठीक मेरे रूममेट्स तो सो गए। ये देखो अब मुझे ना सबसे पहले ये सारा सामान सही करना होगा, बेड वगैरह सब कुछ सेट करने हैं, और मुझे अभी नहाना भी है। देखो रात के 10:30 बजे हैं, और मैं अब जाके नहाऊंगा क्योंकि मैंने कल भी स्नान नहीं किया। और ये देखो मेरे बाल की पूरी वो क्या कहते कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, मैंने कितने 3-4 दिन से बालों में साबुन तक नहीं लगाया। तो स्नान में अभी पहले स्नान करूंगा, उसके बाद